खरगोन में अशासकीय शिक्षक संघ के बैनर तले दशहरा मिलन और शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन बाल शिक्षा निकेतन परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शंभु सिंह मनहर, अशोक दीक्षित, अशोक महाजन की उपस्थिति में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह की शुरुआत की। सर्वप्रथम स्वागत भाषण आलोक सोनी ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ जनों ने बेहतर आयोजन के लिए साधुवाद ज्ञापित किया। संगठन से पहली बार जुड़े संस्था प्रमुख संचालकों ने गौरवान्वित महसूस करते हुए संगठन के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर संगठन के लिए सदैव तैयार रहने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। और हमारे गुरु मंदिर भाई को नमस्कार, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत सबसे पहले बोलना गया था, इन्होंने बुलवाया था आपके जैसे भी तो इस कारण दो शब्द बहुत समारोह के लिए जब बैठा जी का मेरे पास फोन आया कि हमारी इच्छा है कि बड़ा शिक्षा निकेतन में ये प्रोग्राम करता है, तो मैंने उन्हें कहा कि मोस्ट वेलकम, आप आइएगा। न केवल सिर्फ ये प्रोग्राम दीजिएगा, आगे कभी भी कोई भी इस शिक्षण संस्था का आपको कार्यक्रम करता है, विचार पुष्टि करता है, तो सदैव बाल शिक्षा निकेतन आपके लिए तैयार रहेगी। मेरे अशासकीय शिक्षण की स्कूल जो हम चला रहे हैं उसके लिए काफ़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताया। मनहर साहब ने जो नई शिक्षा नीति के बारे में बात की कि जो दिल्ली से नई शिक्षा नीति बन रही है उसमें हमें समस्याएं भी आने वाली है, तो मेरा मानना है कि हम हमारी संस्था एक कोर कमेटी का भी गठन करें और उस नई शिक्षा नीति का अध्ययन करें, और जब वो शिक्षा नीति नहीं आएगी तो उसके लिए हमारे संस्था के सदस्यों को अवगत कराएं और उनकी समस्याओं का निदान करें। साथ में हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।